हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। इससे भारत और विश्व के कई देशों को नेट जीरो के अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत प्रगति भी कर रहा है और प्रकृति भी का उतना ही उत्तम उदाहरण बना करके तालमेल के साथ जीने का एक रास्ता को बना रहा है। आज भारत विश्व की 5 की बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अन्य जीवों की संख्या में भी हमारे यहाँ लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागीदारी का और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड जैसे अभियान ऐसे ही लक्ष्यों की तरफ हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर काम किया है, दुनिया को बेहतर बनाने को नए रास्ते मिले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दिया था और आज संयुक्त राष्ट्र के उस समर्थन के कारण दुनिया के करोड़ों लोगों के स्वस्थ जीवन की प्रेरणा का योग एक कारण बन गया है। वैसा ही एक उदाहरण इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का है। भारत अपने पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज से दुनिया को जोड़ना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र ने इसका भी समर्थन किया। हम अगले साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने वाले हैं, लेकिन अभी से दुनिया भर में इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है।